हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्निकल ट्रेंडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपने 100% जीबी व्हाट्सएप के बारे में सुना होगा। और सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं कि जीबी व्हाट्सएप क्या होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हाट्सएप के। तो जीबी व्हाट्सएप में आपको नॉर्मल व्हाट्सएप से कुछ फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, कुछ मतलब अपग्रेड वर्जन होता है नॉर्मल व्हाट्सएप का। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जीबी व्हाट्सएप यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन गाइस, एक बात आपको मैं पहले बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले, ऐसे तो ये वीडियो मैं लास्ट में बताने वाला था कि इसे आपको यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। तो आपके मन में एक सवाल आएगा लास्ट में कि मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि मैं इसे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ। मैं इसे इसके एक तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दूंगा क्योंकि ये कुछ लीक्स हैं, वो आपको आगे वीडियो पूरी देखनी होगी। वीडियो बहुत ही अच्छी और एक अच्छे कंटेंट पे है वीडियो ये, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करें और पूरा देखें वीडियो की कि क्या क्या मैंने इस वीडियो में बताया है लास्ट में, क्या आपको इसे यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके सिंबल के बारे में। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसका सिंबल ही अलग देखने के लिए मिलता है हमें, और नॉर्मल व्हाट्सएप के कंपेयर में, साइड में नॉर्मल व्हाट्सएप भी है उसके कंपेयर में आपको देखने के लिए मिलता है इसका सिंबल अलग है। इसके बाद हम जीबी व्हाट्सएप को ओपन करें तो जो कि ओपन वाला इंटरफेस है वो आपके हमारे पास सेम है, लेकिन जब आप एंटर कर जाते हो इसमें तो आपको सामने देखने के लिए मिलता है कुछ अलग ही इंटरफेस। सबसे ऊपर व्हाट्सएप लिखा हुआ आ रहा है और नीचे आप देख सकते हो कि ये है चैट्स का इंटरफेस और ग्रुप का इंटरफेस जो है अलग देखने के लिए मिलता है। मतलब आपको ग्रुप्स जो है अलग आएंगे इसमें और चैट्स जो अलग आएंगी, जो कि हमारे पास नॉर्मल व्हाट्सएप है उसमें चैट्स और ग्रुप जो है एक साथ में मर्ज होते हैं, हमें साथ में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसमें एक फीचर में कोई बहुत ही अच्छा फीचर लगा, एक हमारे लिए अच्छा भी है कि ग्रुप्स जो है साइड में है और चैट्स और साइड में, इसमें दोनों मिक्स नहीं होगी और हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी। इसके बाद हम स्टेटस की ओर जाएं तो स्टेटस में आपको दिखा दूं कि हमें यहाँ पे दो नीचे कुछ एक्स्ट्रा इंटरफेस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमारे पास एक हमारे पास है राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन और लेफ्ट साइड में हमारे पास आपको डबल टिक देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इस डबल टिक पे जो क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीन लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी का स्टेटस देखना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि उसको शो ना हो कि हमने उसका स्टेटस देखा है तो आप इसे क्लिक कर सकते हो। तो कुछ ऐसे ही अलग अलग फीचर देखने के लिए मिलते हैं आपको जीबी व्हाट्सएप में। और बाकी इसके बाद आए हम होम स्क्रीन पे, तो ऊपर आपको एयरप्लेन मोड ऑन करके आना आपको मैसेज सेंड कर आप ना किसी को मैसेज सेंड कर सकोगे या कोई आपको मैसेज कर रहा होगा वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगे। इसमें ये फीचर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट मोड चाहिए वो भी आप एक्टिवेट कर सकते हो और नाइट मोड चाहिए भी आपको एक्टिवेट कर सकते हो। कंपेयर करो थोड़ा नॉर्मल व्हाट्सएप के साथ, तो नॉर्मल व्हाट्सएप में हमें सेटिंग्स वगैरह में जाना पड़ता है डार्क मोड इनेबल और डिसेबल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है, इसमें एक एडवांस बात है ये। और इसमें सर्च का ऑप्शन तो वहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे मिलता है। इसके ऊपर थ्री डॉट्स की ओर आए तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स जो है ज्यादा ही देखने के लिए मिलती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हाट्सएप। तो सबसे पहले हमें जीबी सेटिंग्स देखने के लिए मिलती है ऊपर, हम जीबी सेटिंग्स पे क्लिक करें तो सबसे पहले हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज के वो सारे पर्पस वहां पे भी है हमारे पास। लेकिन इसमें एक हमें थीम्स देखने के लिए मिलती है जहाँ की हम अपनी मनपसंद की थीम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वक्त थर्ड नंबर वाली थीम जो है डाउनलोड की है और ये वही थीम अप्लाई हुई है। अगर यहाँ पे आप अपने हिसाब से थीम को क्रिएट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके बाद हम नीचे आए तो कुछ चैट स्क्रीन है और शेयर जीबी व्हाट्सएप प्रो, अगर आप इसे शेयर करना चाहते हो या किसी को लिंक नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। और थोड़ा इसके बैक जाए तो यहाँ पे ऐड का मैसेज आते हैं, तो यहाँ पे ऐड देख सकते हो आप, अलार्म भी रख सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। कुछ और फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। हम फिर से थ्री डॉट की ओर जाएं तो थ्री डॉट में आपको नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बहुत ही एडवांस फीचर देखने के लिए मिलता है जो कि आपको उन्हें बताना था। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैसेज शेड्यूलर नाम का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे, अगर सोचो कि रात को 12 बजे विश करने का आजकल बहुत ही ट्रेंड चला है, किसी का बर्थडे और आपको रात को 12 बजे फर्स्ट विश करना है तो आप यहाँ पे उसका नंबर कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर और इसके बाद यहाँ पे क्या मैसेज आपको उसे देना है
और डेट ऑफ सेंड मैसेज एंड टाइम भी आपको यहाँ पे 12 बजे सेट कर आप नीचे मैसेज मैसेज टू सेंड पे क्लिक कर ऑटोमेटिकली आपका मैसेज जो है जिसको आप भेजना चाहते हो वहां पे आपका मैसेज चला जाएगा। तो ये बहुत ही एडवांस फीचर देखने के लिए मिलता है 1 GB व्हाट्सएप में मेरे को। तो यही थे कुछ और फीचर देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारे नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे ही बोलूँगा कि एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हाट्सएप हमारा 1 GB व्हाट्सएप जो है उससे आगे चला हुआ है। लेकिन लास्ट में यही सवाल हमारे पास आता है कि हमें इसे यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से बताऊं थोड़ा जितना मेरे को पता है, जैसे कि गवर्नमेंट के रूल्स हैं तो उसके कारण जो ये ऐप जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है मतलब प्रूव नहीं है, तभी ये ऐप जो हम क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करनी पड़ती है, ये हमें प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं मिलती है। तो ये एक इलीगल ऐप है तो हमें इसमें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपकी प्राइवेसी भी लीक होने का डर रहता है और वैसे एक टाइप से सही भी लगी जो कि इसके फीचर्स वगैरह हैं ये व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप में आ जाए तो हमें 1 GB व्हाट्सएप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पीछे व्हाट्सएप के बारे में बात चली थी वो एड्स वगैरह लाएंगे इसमें, तो ये कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट करे व्हाट्सएप तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर कुछ हमारे फ्रेंड्स जो हैं जो कि प्राइवेसी को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है तो वो 1 GB व्हाट्सएप को यूज़ ना करें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी 1 GB व्हाट्सएप को यूज़ ना करे क्योंकि टोटली लॉस है, मतलब कि गैलरी वगैरह में है वो रिस्क पे जा सकता है। सो गाइज आपको ये यूज़ नहीं करने चाहिए, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आपके लिए ही बोल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और एंड में आपको बता दूं कि आप बोलोगे कि मैंने भी ये 1 GB व्हाट्सएप रखी है, लेकिन नहीं, मैंने ये 1 GB व्हाट्सएप नहीं रखी है, वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे डाउनलोड किया था। मैं वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत ही इसे अनइंस्टॉल कर दूंगा। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको अभी अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूं इसे। तो यहां पे हम जाएंगे तो यहां पे 1 GB व्हाट्सएप के और जाएं तो यहां पे ऊपर देख सकते हो आप, मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया है। सो आपके सामने मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया है। अगर गाइस आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।